ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमाध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकालीदेवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। मांकर चरणारविंद तले प्रथम नमस्कार पूर्वक प्रथम चरित्र रे ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व एवं ऋग्वेदर स्वरूप स्वरूप रे महाकाली देवं देवतांकर प्रसन्नता निमन्ते आमे आपणंकर प्रथम चरित्र को जप करूछु एवं जपरे आपणंकु जणाउछु बारंबार नमस्कार। ओम अथ ध्यानम। ओम खड्गम चक्रगदे सुचाप परिघां चूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनं सर्वांगभोषभृतां नीलस्मद्वितिमस्य पाददशकां शेबे महाकालिकां जामो सुत्सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओं नमश्चण्डिकाय। ओं ऐं मार्कण्डे उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते स्थमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रविः स्वारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते खितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रुवो भूपः कुळा विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः नुनैरपि सतिर्युद्धे कुळा विध्वंसिभिर्जितः ततः सोपूरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रन्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यरबलिर्भिर्दृष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि सोपुरे ततः ततो मृगयव्याजेन हुतस्वम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्रक्षिद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशन्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। अपूर्व भावरे भगवानंकर स्तुति करिछन्ति कमलनयन पद्मजोनि ब्रह्मा आउ से स्तुतिरे ये मधुकैटभ राक्षसर ये जो दुरात्मा राक्षस यार बध निमन्ते प्रभुंकर निदेश प्रभुंकर पाखरे बा प्रभुंकर चरण कमलार बिंद जुगड़े कमल जनिंकर ये अपूर्व स्तुति आउ से स्तुति प्रभुंकु जनईवाक गला बेले मार्कंडेय कहुछन्ति शुणंतु कौन होची ये कथा ना सूर्यंकर पुत्र सावर्णी जहां को अष्टम मनु बोलिकी कहुजाए जो मनुंक पाखरु ये मनुष्यर जन्म से मनुंकर कथा से मनुंकर चरित्र आउ से चरित्र को श्रवण करिबाकु गला बेले एथिरे आसुछंती किए ना जड़े राजा आसुछंती जो राजांकर ना होछि सुरथ आउ से सुरथ राजा होछंती एमितिका राजा जे प्रजामानंकर निज पुत्रवत पालन करुथले आउ ये सुरथ राजांक सहित शत्रुता थिला काल विध्वंसी बोली क्षत्रिय मानंकर से काल विध्वंसी मानंकर संख्या जदि भी कम थिला किंतु तथापि से माने बल विक्रम रे सुरथंकु परास्त करिबा हेले आउ से ही सुरथंकर बल धीरे धीरे क्षीण हो जाऊला राज्य तांक हस्तरु चली जाऊला तेणु यही भाव रे राज्य चली गला परे सुरथ से दिन चिंता करुछंती मनस्तत्व भितरे अश्वारोहण करी सुरथ जंगल मध्य को चली गले। तस्तौ किंचित सकाळं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरं तस्मिन् मुनि वराश्रमे शोचिन्तय तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्तैस्ते रसद्वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं जातः कान् भोगानुपलप्स्यते जे ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृतिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम् असम्यगवैशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोश गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः
तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रया वनतोऽनुपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योह मुत्पन्नो धनिनाङ्कुळे। अपूर्व सुंदर भाव से दिन राजा हुएत जंगल भितर को अश्वारोहण कर चलीगला परे जंगल भितर बुलु बुलु पहुंची छंती सुरथ राजा मेधारु सिंह आश्रम पाखे जो आश्रम पाखे लक्ष्य करुछंती राजा से आश्रम वैर भाव नहीं सेथि परस्पर भाव रे शत्रु भाव नहीं समस्त शत्रु विरहित भाव रे विचरण करुछंती से अपूर्व सुंदर दिव्यता को देखी से पुण्यता को लक्ष्य करी विमोहित राजा मेधारु सिंहर शरण रे रहितला बेले मने मने कलिहत मानवर वन्य मन अन्य मनस्कर भावना आउ से मनुष्यर भावना भितरे राजा से दिन चिंता करुछंती प्रकृत भाव रे जो राज्य मु छाड़ी आसिली जो प्रजाकूल को मु छाड़ी आसिली जो अपार अपार धन संपत्ति को मु छाड़ी आसिली से सब हुए तो आज नष्ट भ्रष्ट होथिबो मो मंत्री माने शत्रुता आचरण करुथिबे हस्ती माने आज मतगज्ज हो बोलुथिबे राज्य भितरे राजा राज्य भितरे चौर भय देखा जाउथिबो मो प्रजा माने प्रजापीड़क भाव रे उत्पीड़क साजुथिबे यही भावनार उच्चाट भितर चिंता कला बेले राजा देखुछंती जणे वैश्यंक सहित तांकर भेट होइछि जो वैश्यंक सहित भेट होइछि उत्कंठावशतः पचारिछंती राजा सुरथ किए से आपण कौठि आपणकर घर कौठि आपणकर बासस्थान काहीकि विचारण करुछंती वनस्तरे ये सब प्रकार रे वैश्य उत्तर दउछि पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनिर्दारिः पुत्ररादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृतिं स्वजनानां च दराणां चत्र संस्थितः किं नु ते सङ्गृहे क्षेमं अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्बुतः किं नु मे सुतः राजोवाच जरिनिरस्तो भवा लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवनस्मद्गतं वचः। अपूर्व सुंदर भाव रे राजांकर प्रश्न रे उत्तर दबा को आरंभ करुछंती वैश्य एवमेतद्यथा प्राह भवनस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः जे संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धे निराकृतः पति स्वजन हार्दं च हार्द्यस्वैव मे मनः किमेतन्नभिजानामि जानन्नपि महामते जत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेस्वोऽपि बन्धुषु ते संक्रूते विनिश्वासो दुर्मनस्यं च जायते करोमि किं जन्न मनस्ते सुप्रीति सुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यस्यौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तूतौ जथन्यायं जथरहं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा कश्चिचक्रतो वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्वत। अपूर्व सुंदर भाव रे दुई जणंकर कथोपकथन जणे राजा जणे वैश्य राजांकर ना होइत सुरथ वैश्यंकर ना होछि समाधि एहिभली भाव रे कथोपकथन चलिथिला बेले उभय चिंता करुछंती ए मनरूपक इंद्रिय को केमिति बस करा जाय पाइ एही कथा को कथोपकथन रे चलिथिला बेले जो प्रथम मार्गर निर्देश थिला सेही प्रथम मार्गर निर्देश अनुसार आज मार्कण्डेय कहुछंती सुनंतु सुनिबा होंतु कथा होछि जो राजा एवं वैश्य भितरे कथोपकथन एही कथोपकथन भितरे चित्तचंचलता को प्राबल्य दबा को जाय ये चित्त को स्थिर करिबा पई जाय उभय पहुंची छंती प्राज्ञ विज्ञ पंडित एवं ज्ञानी मानंक भितरे अग्रगण्य मेधारु सिंह पाखरे मेधांकर शरणापन्न हेला परे मेधा हुए तो बतई दउछंती कथोपकथन आरंभ करिबा को गला बेले मेधा कहुछंती हे भगवान तुम माने जो आसीछ मो पाख को हे राजा हे वैश्य तुमको ए जो चित्तसंजतर वार्ता ए चित्तसंजतर वार्ता दबा पाई जाई मेधा कहुछंती न्याय कुल उचितपूर्ण वाक्य आउ सेई वाक्य को श्रवण करुछंती उभय राजा एवं समाधि वैश्य। दुःखाय जन्मे मनसः सोचित्ताय ततं विना ममत्वंगतराज्यस्य राज्यंगेस्वखिलेस्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारिर्भुत्तैस्तथोज्झितः स्वजनेन च संत्यक्तस्ते सुहार्दथप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन महाभागजन्महोज्ञानिनोरपि
ममास्य च भवत्वेषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्तिस्समस्तस्य रजन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागजाति चैवं पृथक् पृथक् दिबन्धा प्राणिनः केचिदत्र बन्धास्तथा परे केचिदिवा तथा रत्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणं यत्ते संमृगपक्षिणाम्। अपूर्व भावरे दुईजण मेधारु सिंहर शरणापन्न हेला परे मेधारु सिंह पाखरे दुईजणंकर प्रश्न रहिछि राजांकर जेउ प्रश्न सेई प्रश्न मध्य समाधि वैश्यंकर। हे ऋषिवर, हे ऋषि प्रवर, हे प्राज्ञ विज्ञ पंडित, आपणंकु त गुरु भावरे वरण करिछु आउ सेई गुरु ज्ञानरे बुझै दियंतु काहीं किए चित चंचल, काहीं किए मोह मायार बंधन भितर आम हुए त पड़ी जाइछु। संसार को छाड़ आसीला परे मध्य ये संसार लब्ध ज्ञान काहीं आम पाखर दूरेई जाऊ। आरंभ करुछंते ऋषि, ये संसार होउछि मायार जगत, ये संसार होउछि मायार अधीन, भगवतीर मायारे ये संसार हुए त बंधा। देखंतु पशुपक्षी सहित मनुष्यर संपर्क को स्थापन करबा को गला बेले बुझै दउछंती। कोउ पशुपक्षी हुए त दिन रे देखि पारुछि, राति रे मध्य देखि पारुछि, आउ सेई पशुपक्षी देखंतु किभलि भाव रे मोहमायार बंधन भितरे बंधा हिचंती। से मोहमायार बंधन रो मनुष्य मध्य अलगा नहि। मनुष्याणं च जत्ते संतुल्य मन्य तथो भयो ज्ञानेपि सति पश्येतन पतंगं च वचंचुषु कणमुख्यादृतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुज व्यघ्र साभिलासः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय अन्यतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्मत्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैषा तया संमह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतंसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य महाय महामाया प्रजच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरं शैषा प्रसन्ना वरदाङ्गृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वे सुरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति जां भवान् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वं ब्रह्मविदाम्बर तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतं मम देवानं कार्यसिद्ध्यर्थमाभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते जोगनिद्रं यदा विष्णुर्जगत्त्वर्कानभिकृते आस्तिर्ज्य शेषमद्भजत कल्पन्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलदभूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ शनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावजोगनिद्रं तामिकाग्रहृदयस्थितः विवोर्धनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगधात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्। अपूर्व सुंदर भाव ऋषि से दिन बतई जो से भगवती होती अजन्मा से होती परात्पर परमेश्वरी सर्वशक्तिर आधार आउ से शक्तिर आधार स्वरूप हुए तो शंकर भगवान नारायण मध्य परिचालित तेणु से ही भावनार उचाट भितर बुझेवाक गला बेले से दिन वेदवर ब्रह्मा बतौंती कहानी कहले कहानी अयम आरंभ करने को गला बेले विष्णुंकर शयन काल अनंत शयन विष्णुंकर शयन काल विष्णुंकर कर्णर मलिरु उत्पन्न हेले दुईटी राक्षस मधु आउ कैटभ से मधु कैटभ जन्म हेले सत प्रथम जन्म रे ही ब्रह्मांकर उद्देश्य रे आसिले ब्रह्मांकु भक्षण करिबा पाए निस्तार 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 स्वरूप रे भगवान ब्रह्मन आदि प्रार्थना करुछन्ति प्रभुंकर उद्देश्य रे से जगत माया जगत जननींकर उत्पत्ति रो स्वरूप रे। निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेतद्धार्यते विश्वं त्वेतत्सृज्यते जगत् त्वेतत्पल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपन्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामहा च भवती महादेवी महासुरी
प्रकृतिस्त्वंच सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर् महारात्रिर् महोरात्रिश्च दारुणा त्वं स्त्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षन्तिरेव च खड्गिनी सुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। अपूर्व सुंदर भाव रे मा महामायंकर उत्पत्ति रे ब्रह्मा जेतेबेले स्तुति करुछंती मा महामायंकु मा जोगमायंकु सर्वशक्तिर समन्वित स्वरूपंकु ब्रह्मा निजे जहांकु स्तुति करिबारे असमर्थ आमे बा कलिहत मानव किबा वर्णना करिबा से मातार रूपकु ब्रह्मा निजे कहुछंती मा आपण होछंती स्वाहा आपण होछंती स्वधा आपण होछंती लज्जा आपण होछंती तुष्टि आपण होछंती पुष्टि मा तणु हे सर्वमंगलकारिणी तमे सदा सर्वदा ए जगत पाई फलदायी हो शुभदायी हो बरदायी हो मा। शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्तुति सुंदरी परा पराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी जच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु शतशद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य जा शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा जया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्योतिजो जगत् शोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितस्ते जतोतस्त्वं कस्त्वतुं शक्तिमान भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैः सरोदारिर्देवि संस्तुता मोहयितौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रवर्धनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरसः। अपूर्व सुंदर भाव रे मांकर उत्थापन बेले मोहमायांको प्रभु निजे कहुछंती आपण ए राक्षस द्वयंको मोहमायार बंधन रे बांधि दियंतु देखंतु से मोहमायार बंधन आउ से बंधन रे बांधि होइथिला बेले प्रभु निजे शेष सज्जारु निजकु निद्राकु निवृत करि अपूर्व सुंदर भाव रे जाग्रत होउछंती प्रभु आउ से प्रभुंकर जाग्रत एवं मा मोहमायार बांधि रखिछंती मधुकैटभ द्वयं। निर्गम्य दर्शने तस्तो ब्रह्मणो व्यक्तजन मनः उतस्तौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिविर्जविक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनित्यद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं जुजुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिर्बलरमत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरस्मत्तो ब्रियतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम बुद्ध्या बुभावपि किमन्वेन वरेणत्र एतावद्धि वृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चितभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य तभ्यं गदितो भगवान् कमलिक्षणः आवं जहीन जत्रोर्बी सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथै त्यक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते अयिं। ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवि महात्मे सत्या सन्तु यजमानस्य कामः श्रीदेव्यार्पणमस्तु। अपूर्व सुंदर भाव रे एठी शेष होउछि प्रथम अध्याय सप्तशती चंडीर आउ शेष पर्याय को गला बेले ए मधुकैटभंक वध करिवार एक अपूर्व चिंतनर उपाय प्रभुवांकर मा जोगमायांकर जो मोहमायारे बंधा पड़ा ये राक्षस द्वय हुएत भगवान जगन्नाथ नारायण पाखे 5000 वर्षर बाहुबल युद्ध कर सारापर निजक निजे एत बलियान मन करी प्रभु को आपण बर मगतु बर जाचना करतु आम आपण को बर देव माया हरि मायावंत हरि हरि को मायारे बा किए से पारिचे से ही भावनार उचाट भितर प्रभु कहते जदि बर चाहूँ जदि बर चाहूँ तेज बर मु देवी तुमको बर जदि तुम्हें तुम्हार मोठार तुम बर मागार अच्छी तुम्हार मत बर मागार अच्छी बर मत दि मो हाथ में मो हस्त तुम्हें निहत हुओ से ही बरर जाचन प्रभुंर जंघ प्रदेश में मधुकैट भंकर बध हो आईठ शेष हो प्रथम अध्याय सप्तशती चंडीर से दुर्गा निकटने दुर्गार्पण मस्तु करी आपण को सविनय नमस्कार।